पूरा देश जानता है, पूरे देश के किसान जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में जो कांग्रेस सरकार ने फैसला किया है वो सब जानते हैं और छत्तीसगढ़ किसान तो उसका लाभ उठा रहे हैं। तो इनके कहने से कुछ नहीं होगा, जो लाभ उठा रहे हैं तो वो किसी बरगलाने बरगाव में वहां जाएंगे क्या? सर बीजेपी वाले पूरे देश भर में और बकायदा एक विधानसभा में 100 लोगों के जुटने की बात भी कही जा रही है सर, इसी को लेकर है। वो राहुल गांधी जी जहाँ जिस मस्जिद में खाना खाए थे वही मस्जिद में मोदी जी इस बार 100वां एपिसोड करने जा रहे हैं मन की बात। देखो बात यह है कि लोगों के मन की बात कब सुनेंगे आप? अपनी मन की बात तो आप 100वीं कड़ी सुनाने जा रहे हैं, लेकिन एकाध कड़ी तो जनता के मन की बात सुन लेते हैं, जो कि नहीं हो रहा है। किसानों के मन की बात, मजदूरों के, गरीबों के, आदिवासियों के, उनकी मन की बात भी सुन लेते हैं, नौजवानों की मन की बात सुन लेते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मोदी को सर पर बताया है स्मृति ईरानी को गांधी जी गांधी परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरी बात यह है कि खड़गे जी ने जो बात की कि सर्प जैसे जहरीला है और उस बात को उन्होंने खंडन भी कर दिया है, तो मैं समझता हूँ बात अब समाप्त हो जाएगी। मन की बात सुनेंगे 30 तारीख को। इसके बाद एक बड़ा आरोप भाजपा लगा रही है। भाजपा का कहना है कि जब भाजपा के नेता नक्सल इलाकों में जाते हैं तो सुरक्षा नहीं मिलती है पर्याप्त, कांग्रेस के नेताओं को पूरी सुरक्षा दी। भेदभाव का आरोप लगाया है। कोई भेदभाव नहीं है। और दूसरी बात है सुरक्षा, जो रोड ओपनिंग पार्टी है वो तो सीआरपीएफ देती है, उसी के अंडर में है और इनको तो छत्तीसगढ़ पुलिस पर विश्वास नहीं, क्योंकि ये उनके जो हेड आए हैं उनको जो यहाँ स्थानीय पुलिस दिया गया था उसको हटा लिया है, अब सीआरपीएफ उसकी सुरक्षा करेगी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए पी पाटिल, उन्होंने मिसेज सोनिया गांधी को विष कन्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी को ही दूसरे के बारे में बोलने का अधिकार है, दूसरे बोले तो तकलीफ होती है। कल जिस प्रकार से खड़गे जी के बयान को पूरे देश भर में ये लोग विरोध कर रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि जहरीले सांप जैसा है, अब फिर भी खड़गे जी ने बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें वापस भी लिया है। आज उसके विधायक के द्वारा सोनिया गांधी जी को विष कन्या कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा अब समझ आ गया है। ये हर बार सोनिया जी को टारगेट करते हैं, उसके राष्ट्रीय नेता सोनिया जी के बारे में कितने बार अनर्गल बातें कही गई और अब जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे विष कन्या कह रहे हैं, ये घोर निंदनीय है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर किया गया है। अब इस मामले में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या कहते हैं ये पूरा देश जानना चाहती है। सर कांग्रेस अब हमारे कार्यकर्ता उसको देखेंगे, क्यों नहीं करेंगे उसको? सर